हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इससे हम 2 ड्रेस बनाएंगे। देखिए, ये पूरा आपका 2 मीटर कपड़ा है। तो पूरे कपड़े को मैंने 2 इक्वल पार्ट में कट कर लिया है, देखिए। और दोनों के 4 फोल्ड होने चाहिए, याद रखिए। तो अभी मैंने एक कपड़ा लिया है, उसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। तो हमारा लंबाई है 34, हम उसमें 1/8 करेंगे, 35 इंचेस लेंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा शॉर्ट है इसके लिए, नहीं तो 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं आप। तो अभी हम 35 में पूरा मार्क दे देंगे आपका लंबाई का, अच्छे से मार्क कर लीजिए। अभी हम शोल्डर का मार्क देंगे, शोल्डर है हमारा 6 इंचेस और नीचे को भी हम 6 इंचेस ही देंगे। चॉक मार्क अच्छे से कर लीजिए। तो हमारा चेस्ट है 32, 32 में 4 ऐड करने से 36 और 4 फिर से डिवाइड करेंगे तो 9, क्योंकि 4 फोल्ड में है। 9 को मार्क देकर हम हमारा आर्म होल का गोलाई दे देंगे। अभी हम हमारा वेस्ट का मार्किंग करेंगे, 15 को मार्क दिया और ऊपर जितना दिया था उससे 1 इंच कम दे दीजिए वहाँ पर, समझे। अभी नीचे तक हमारा मार्क देकर कट कर लीजिए आप, ऐसे ही जैसे मैंने किया है। तो अभी हम नेक का मार्क देंगे 2 हाफ और लंबाई आपको जितना चाहिए, मैंने यहाँ पर 5 हाफ लिया है। तो दोनों की तरफ मेरा राउंड ही नेक है, इसके लिए मैंने पीछे का भी मार्क यहाँ पर दे दिया है। गोलाई दे दीजिएगा जो भी मार्क दिया है आपने। तो अब ये हमारा नेक हम कट कर लेंगे, देखिए। अब इसके जैसा दूसरा कपड़ा भी, हमारा दूसरा पार्ट भी काट लेंगे आप। अच्छे से नेक और आर्म होल को देखकर काट लीजिए आप, ये हो गया है देखिए। तो हमने दोनों नेक एक साथ ही काट लिया था, इसके लिए हम पीछे वाला नेक फिर से काट लेंगे ऐसे खोलकर, देखिए। अभी हम हमारे हैंड का कट करेंगे। तो लंबाई है हमारा यहाँ पर 4, तो मैंने 4 ले लिया और ये मैंने विड्थ लिया है 9 और दूसरी तरफ आप 2 माइनस करके ले जाइए। और जैसे मैं शेप दे रही हूँ वैसे शेप दे दीजिए अच्छे से। अभी हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है, दूसरा भी ऐसे ही कट कर लेंगे, दूसरा हैंड भी हमारा। अभी हम हमारा स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट मैंने ले लिया है आपका फ्रंट पार्ट, इसको थोड़ा डिज़ाइन करेंगे हम, 12 की तरफ मार्क करके इसको कट कर लेंगे। देखिए, मैंने नेक में लेने के लिए थोड़ा बड़ा पैटर्न काटा है, आप चाहे तो छोटा भी काट सकते हो। तो अभी हम इसमें इसको स्टिच कर लेंगे अच्छे से। स्टिच करने के बाद हमें थोड़ा छोटा छोटा कट देना होगा, जिसके लिए अच्छे से हमारा पलटे। देखिए, मैंने पलट दिया है इसको, अभी पलट के हमें इसे स्टिचिंग करना होगा। अच्छे से कॉर्नर निकाल लीजिए इसका, उसके बाद पूरा नेकलाइन आपको स्टिच कर लेना है।
तो अभी हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है। अभी हम डिज़ाइन देखेंगे, छोटा छोटा ट्रायंगल करना है हमें। तो 2 इंच का कपड़ा ले लीजिए और इससे छोटे छोटे ट्रायंगल्स बना लीजिए आप। तो ऐसे ही आपको 5 या 6 ट्रायंगल बना लेने हैं आपके नेक के अकॉर्डिंग। तो अभी हम नेक के देने के लिए एक पट्टी तैयार करेंगे, उस पट्टी पर इन ट्रायंगल को हम लाइन में रख देंगे। देखिए जैसे अपोजिट में मैं रख रही हूँ वैसे ही, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, अच्छे से डिस्टेंस देखकर रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो एक तरफ का ट्रायंगल हम फर्स्ट सिलाई कर लेंगे, देन इसको उल्टा करके फिर से दूसरे तरफ का ट्रायंगल भी स्टिच कर लेंगे।
Thank you.